अगर तुम चाहते हो इस रमज़ान तुम्हारी हर दुआ कबूल व मकबूल हो जाए तो बस तुम तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दो। और अब ये तो और भी अच्छी बात है कि अब हमें ताखरातें भी नसीब हो रही हैं, तो ताखरात में हमें शब-ए-क़दर भी मिल सकती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या ही बात होगी कि एक तो रमज़ान है, ऊपर से तहज्जुद की नमाज हो और ताखरात की फजीलत, और फिर अगर शब-ए-क़दर ही मिल जाए तो क्या ही कमाल की बात है कि अगर आप तहज्जुद पढ़ें और आपको शब-ए-क़दर ही मिल जाए तो कैसे मुमकिन है कि आप कोई दुआ करें और आपकी वो दुआ कबूल ना हो या रद्द हो जाए। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। तो यही वक्त है जिसमें आप अल्लाह पाक से अपने दिल की सभी बातें कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के सबसे ज़्यादा करीब होता है। तहज्जुद की नमाज एक ख़ास इबादत है जो अक्सर इंसान चाहते हुए भी नहीं पढ़ पाते। ऐसे में हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें इस पाक और अफजल इबादत की तौफीक अता फरमाए। अब आते हैं रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद पढ़ने की तौफीक पर। तो हम लोग ज़्यादातर सहरी के वक्त तो उठते ही हैं, तो क्यों ना इस वक्त थोड़ा जल्दी उठकर अल्लाह की याद में सजदा कर लें, उसकी इबादत में वक्त गुजार लें। इस महीने में माना कि इंसान को नींद की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। लोग अगर तहज्जुद की रूटीन इस महीने में सेट कर लें तो आम दिनों में भी वो तहज्जुद पढ़ सकते हैं। तो आपको चाहिए कि रात के 3 बजे का अलार्म लगाकर सो जाएं, या जैसे आपके घर वाले आपको सहरी के लिए उठाएं, आप उसी वक्त उठकर फौरन वजू कर लें और तहज्जुद की नमाज अदा कर लें। अब बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज कैसे अदा करते हैं। जैसे आप बाकी नमाजों में नफिल वगैरह पढ़ते हैं, वैसे ही आप तहज्जुद की नमाज भी अदा कर सकते हैं। इसको शुरू करने से पहले आपको चाहिए कि आप 2 रकात नफिल नमाज हाजात पढ़ लें। अगर आप नमाज हाजात पढ़ लोगे तो उसका बहुत सवाब है, लेकिन अगर आप 2 रकात नफिल नमाज तहज्जुद की नीयत से ही शुरू कर लें तो भी दुरुस्त है। इस तरह आपने नीयत कर लेनी है और 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लेनी है। इसके लिए कोई खास मखसूस सूरत तो नहीं है, जो आपको याद है वो सूरत आप पढ़ सकते हैं। अभी आपकी मर्जी है कि आप कितनी रकतें पढ़ें। आप चाहे तो 2 रकत नफिल भी पढ़ सकते हैं, 4 रकत भी पढ़ सकते हैं, 8 रकत भी पढ़ सकते हैं और 12 रकत भी पढ़ सकते हैं। जितना आपको पढ़ना आसान हो आप उतना पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो उसका अजर ज्यादा होगा। सुभान अल्लाह। इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान के बहुत ज्यादा करीब होता है, और रमज़ान में तो जान लो कि कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। अगर आपने इशा की नमाज के वितर पढ़ लिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़े तो इस वक्त तहज्जुद की नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं, ये सबसे बेहतर है। तहज्जुद की नमाज पढ़ के सलाम फेर कर आखिरी में आप अल्लाह ताला का जिक्र करें, खूब जिक्र करें, अल्लाह ताला को उसके सिफाती नाम से बहुत प्यार से पुकारें, उसे आवाज़ दें, जैसे या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रज़ाक, या मुजीब, या समी, या फत्ता, या वदूद वगैरह वगैरह। इसके अलावा आप तीसरा कलमा कसरत से पढ़ें, लाहुल पढ़ें, चौथा कलमा पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, खूब इस्तग़फ़ार करें कि इस वक्त मग़फ़िरत बहुत सस्ती होती है, दुरूद शरीफ पढ़ें, ये सब बहुत अफजल है। उसके बाद अल्लाह से खूब खुशू खुजू के साथ दुआ करें कि ये वक्त कबूलियत का है, फिर दुआएं मांगते रहें। जो जो आपको चाहिए आप अल्लाह से मांग लीजिए। इस वक्त आज से ही तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये वो वक्त है जब रहमतें, मग़फ़िरतें और नेमतें बढ़ती हैं। तो अभी तो हमें ताखरातें भी मिल रही हैं, आप खूब डट कर रहमतें समेटें, अल्लाह से माफ़ी मांगी अपने गुनाहों की और शब-ए-क़दर की दुआ को कसरत से पढ़ें। आप इस तरह तहज्जुद को रूटीन में ले आएंगे तो आप आम दिनों में भी तहज्जुद को पढ़ सकेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के तकाजे से सिर्फ सवाब हासिल करने के लिए रमज़ानुल मुबारक की रातों का क़याम किया तो उसके पिछले सब सगीरा कबीरा गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। तहज्जुद पढ़ा करो, तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि कोई मिले ना मिले अल्लाह ज़रूर मिल जाता है।
और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। और फिर जब मेरा अल्लाह किसी को खुद के करीब करने का इरादा फरमाता है तो तोहफे में तहज्जुद से नवाजता है। तहज्जुद का हर पहर इतने मौजज़ों वाला है कि जब अल्लाह का महबूब बंदा सरगोशी में अल्लाह ताला से अपने दुखड़े बयान करता है तो मेरा अल्लाह हर शय को धीमी करके सिर्फ और सिर्फ अपने बंदे की आवाज़ को सुनता है। सुभान अल्लाह। ये है मेरे सोहने रब की मोहब्बत, ये है मेरे सोहने रब की मोहब्बत अपने बंदों के लिए। तहज्जुद तो अल्लाह ताला को मनवाने के लिए सबसे खूबसूरत तरीका है। जब मनाने का तरीका इतना प्यारा हो तो फिर वो जात जो बहुत रहीम है उससे मांग कर कोई खाली हाथ नहीं जाता। तुम तो फिर भी अल्लाह ताला के वो महबूब बंदे हो जिसे वो अता करना चाहता है कि मुझे मनाओ, कि मुझे मनाओ और मैं अता करूँ। अल्लाह ताला को पसंद है तुम तहज्जुद में अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार करो और अल्लाह से दुआएं करो। वो मेरा रब ही तो है जो हमेशा मुझे मुसीबत के आखिरी लम्हे में संभाल लेता है। वो रब ही तो है जो किसी इंसान को हमदर्दी के लिए तुम्हारे आखिरी लम्हे में बेच देता है। मेरा अल्लाह कोई ना कोई वसीला जरूर बना देता है। वो रब ही तो है जो हमेशा माफ कर देता है। वो मेरा रब ही तो है जब मैं रोती हूँ तो सुकून देता है। वो मेरा रब ही तो है जब मैं उसको पुकारती हूँ तो वो मेरी पुकार को सुनता है और जवाब भी देता है। मुझे महसूस होता है कि मेरा रब मेरे दिल में है, मेरे साथ है, मेरी नस नस में है, आसमान और जमीन हर जगह ही तो है। तो क्या आपको उसकी निशानियां वाजे नजर नहीं आती? या इलाही, या इलाही, रमजान का महीना है, रमजान का महीना है। इस बाबरकत महीने के सदक़े ऐ मेरे मालिक, जो कोई भी अपनी दुआओं में किसी को तुझसे मांगता है तो उसे उसका नसीब बना दे, उन्हें एक दूसरे के हक में बेहतर कर दे, अपनी रजा शामिल कर दे। मेरे रब, जो कोई भी बे औलाद है उन्हें नेक सौले औलाद अदा फरमा। या अल्लाह, जो कोई भी बीमार है उसे सेहत व तंदरुस्ती और शिफाए कामिला अता फरमा। बहुत कम लोगों के दिल में ही दुआ का ख्याल आता है, वरना लोग परेशान फिरते हैं, रोते हैं, मज़ारों पर जाते हैं। लेकिन अगर आपके दिल में तहज्जुद पढ़ने का ख्याल आया है तो यकीन रखो कि आपकी दुआएं जल्द कबूल होंगी। आपकी दुआओं को अल्लाह ने कबूलियत के लिए चुन लिया है। अल्लाह को आपका मांगना पसंद आ गया है क्योंकि आपका शुमार उन खास लोगों में हुआ है जिनको अल्लाह ने अपने पास आने के लिए चुना है, जिनका मिलना अल्लाह को बेहद पसंद है। और वो देर नहीं कर रहा बल्कि वो तुम्हारी आवाज़ को बार बार सुनना चाहता है। हो सकता है इस आजमाइश के जरिए से अल्लाह तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा हो जो तुम उससे मांग रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम दुआ मांगते मांगते कबूलियत के कितने करीब आ गए हो। अब तुम्हारे और मौजज़ों के दरमियान कितना कम फासला रह गया है। तुम अभी जिस मुकाम पर हो वो अल्लाह के मंसूबे का एक हिस्सा है और उससे गुजरकर तुम्हारे लिए वो सब है जो तुम अल्लाह से रो रो कर मांगते हो। हो सकता है तुम पर आने वाली आजमाइश अब अपने इख्तिताम पर हो। तुमने जो दुआ मांगी है हो सकता है अब उन सब की कबूलियत का वक्त आ चुका हो। बेफिक्र रहो, अभी तो जिंदगी में वो मुकाम भी आना है कि जहाँ अल्लाह ने आपको आपकी मांगी हुई चीजें नवाज देनी है इंशाअल्लाह। जिस यकीन से तुमने तहज्जुद में उठ उठ कर अल्लाह से दुआएं मांगी हैं, जान लो अब कबूलियत का वक्त बहुत करीब है। तुम्हारे हर आंसू को अब वो कुछ ही वक्त में मुस्कुराहटों में बदल देगा और तुम मुतमईन हो जाओगे। मुसलसल एक ही दुआ को हर नमाज में मांगना कोई इत्तफाक तो नहीं है। तो फिर यकीन रखो, अल्लाह जब किसी दुआ का ख्याल दिल से नहीं निकाल रहा तो फिर ये जान लो कि उस दुआ का पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। अब वो कब कैसे पूरी होगी उसको रब्बे कायनात पर छोड़ दो और छोड़कर मुतमईन हो जाओ। जानते हो तहज्जुद में कितनी ताकत है, मौजज़ात को वजूद में लाने की ताकत, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत। जानते हो रमजान में तहज्जुद की कितनी ताकत है, अल्लाह का लाडला बनने की ताकत। तहज्जुद पढ़ने वाले के पास इतने मजबूत हथियार होते हैं कि वो दुनिया की हर जंग एक दुआ से फतेह कर सकता है। टूटे हुए दिल यहाँ जोड़ दिए जाते हैं, बिखरे हुए वजूद यहाँ आकर संभल जाते हैं।
तुम तहज्जुद खुद नहीं पढ़ते बल्कि तुम्हें अर्श से बुलावा आता है जो हर एक को नसीब नहीं होता। यहाँ तो टूटे हुए लोग सुकून पा जाते हैं और वक्ते तहज्जुद जो भी ख्याल तुम्हारे दिल में आ जाए वो ख्याल भी हकीकत बन जाते हैं। तो फिर तुम्हारे दिल में बार बार एक ही दुआ का ख्याल आ रहा है तो क्या वो तुम्हें खाली हाथ रहने देगा? जब रात के पिछले आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद से मुलाकात के लिए चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटा सकता है। इसीलिए जब भी रात के आखिरी पहर आंख खुले तो उसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है और वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाजना चाहता है। अल्लाह जल्द ही तुम्हारी रोती आँखों को यूं ठंडा कर देगा जैसे उसने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आँखों को ठंडा कर दिया था। तुम बस कबूलियत का यकीन रखो और मांगते रहो। देखना देखना अल्लाह जल्द ही ऐसे वसीले बनाएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। देखना अल्लाह जल्द ही कुन कह देगा और एक पल में सिमट जाएगा तुम्हारा टूटा बिखरा हुआ वजूद। यकीन रखो अल्लाह जल्द ही मदद भेजेगा और पलक झपकते ही हो जाएंगे कबूलियत के मौजूदे। दुआओं की कबूलियत की निशानी तहज्जुद है, याद रखिएगा। तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी से छोटी पुकार भी सीधा अर्श तक जाती है। तहज्जुद की नमाज बनाई ही कबूलियत के लिए गई है। तुम्हारा रमजान की रातों में आखिरी पहर नींद कुर्बान करके तहज्जुद पढ़ना ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। अगर कोई दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले गई है तो जान लो कि वो दुआ तुम्हारी कबूल हो चुकी है। अल्लाह के मामले में इतना मत सोचा करें, बस आंखें बंद करके यकीन कर लिया करें क्योंकि वो मौजूदों का रास्ता है। तहज्जुद के लिए तुम खुद नहीं जाया करते बल्कि तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया जाता है और जिसको अल्लाह तहज्जुद के लिए चुन लेता है वो अल्लाह का बहुत ही लाडला बंदा होता है और अल्लाह अपने लाडले बंदे को कभी भी तड़पते हुए नहीं छोड़ता। अगर तुम चाहते हो कि इस शबे कदर तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाए तो बस तुम इन शब में तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दो। इस वक्त अल्लाह पाक से अपने दिल की सारी बातें किया करो, मगफिरत मांगा करो, इस्तग़फार किया करो क्योंकि उस वक्त अल्लाह अपने बंदे के सबसे ज्यादा करीब होता है। ऐसा क्यों सोचते हो कि जो चीज खो गई वो अब दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिल सकती? वो जो अर रहमान है ना, जिसकी दस्तरिस में दो जहान है, वो जब किसी चीज का हुक्म देता है ना, तो कायनात में उन चीजों के दरमियान चाहे कितना ही फासला क्यों ना हो, रास्ते खुद ब खुद मिल जाया करती हैं। जब उस पर मुकम्मल यकीन रख कर अपना मामला उसके सुपुर्द कर देते हो तो हर खोई हुई चीज वैसे ही पाती हो जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम लौटा दिए गए थे। कुछ रातें नींद से खाली इसलिए भी होती हैं क्योंकि तहज्जुद के वक्त अल्लाह अपने बंदों से बातें करना चाहता है। वो तुम्हें सजा नहीं दे रहा बल्कि ये तकलीफ और बेसुकूनी तो तुम्हें उस तक ले जाने का एक बहाना है। वो सब जाहिरी छुपी बातों को जानता है, वो बस तुमसे सुनना चाहता है। बेचैनी को रूह में और आंसुओं को दिल में उतार देता है। वक्त तहज्जुद तुम्हारी दास्तानें सुनने के लिए वो तुम्हारी आंखों से नींद चुरा लेता है। मैंने देखा है वो तहज्जुद के वक्त सजदों में बहाए गए आंसुओं का बरम रख ही लेता है। मैंने देखा है तहज्जुद में मांगी गई दुआओं को कबूल होते हुए जो कहानी एक बार वक्त तहज्जुद अल्लाह को सुनाई जाती है उसका नामुकम्मल रहना तो मुमकिन ही नहीं। करोड़ों में से अगर उसने तुम्हें नींद से बेदार रखकर तुम्हें तहज्जुद के लिए चुना है तो ये कोई इत्तफाक तो नहीं है। तो अपने दिल से वसवसों को निकाल दो। वो खुद कहता है, जब वो खुद कहता है कि दुआएं मुकद्दर बदलने की ताकत रखती हैं, तो तुम्हारे हाथों का बार बार एक ही दुआ के लिए उठना बेवजह तो नहीं है। अपनी दुआओं पर यकीन रखो, मुतमईन हो जाओ क्योंकि वो उन्हीं दुआओं को तहज्जुद तक लाता है जिन दुआओं को उसने मौजज़ों की सूरत में पूरा करना होता है। बेशक